ज्वारभाटा फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह 7:30 पर आखिरी सांस ली। उनके फिल्मी सफ़र को देखें तो पता चलता है कि क्यों उन्हें अभिनय की दुनिया का लेजेंड कहा जाता था। अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में दिलीप कुमार ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में रोल अदा किया। इनमें मुगले आजम, देवदास, नया दौर, राम और श्याम जैसी फिल्मों में अभिनय करके वह अमर हो गए। दिलीप कुमार के निधन से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने ट्वीट करके शोक जताया। दिलीप कुमार के निधन से शाहरुख खान भी काफ़ी परेशान हैं और परेशान होने की वजह भी बहुत ही अलग है। दिलीप कुमार के साथ शाहरुख खान का रिश्ता बहुत ही गहरा और अलग है। शाहरुख खान को दिलीप कुमार ने घर में बेटे का दर्जा मिला हुआ था। दिलीप कुमार उन्हें अपना मुँह बोला बेटा मानते थे। सायरा बानो कहती हैं, मैंने हमेशा कहा है कि अगर मेरा बेटा होता तो वो शाहरुख की तरह दिखता। साहब और शाहरुख एक से ही हैं, उनके बाल भी एक समान हैं। यही वजह है कि मैं उनके बालों में उंगलियां फिराया करती थी। जब हम मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज आप मेरे बालों पर हाथ नहीं फेर रही हैं। मैंने झट से जवाब दिया कि मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन शाहरुख ने मधुबाला सलीम के पोस्टर पर दिलीप साहब का ऑटोग्राफ लेकर अपने स्क्रीनिंग थिएटर पर लगाया है। ऐसा इसलिए कि शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद खान का जन्म और पालन पोषण पेशावर की उसी गली में हुआ था जहां दिलीप कुमार का पुश्तैनी घर है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान ने खुद कई दिन और रात इस गली में बिताए हैं। कुछ महीने पहले ही शाहरुख खान ने अपने पिता के साथ बचपन की एक फ़ोटो शेयर की थी और पेशावर की यादें साझा की थी। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा था कि वह अपने 3 बच्चों को अपने परिवार के गृहनगर में ले जाना चाहते हैं। बता दें कि सिनेमा की दुनिया के महान अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म पेशावर में हुआ था और उन्होंने अपने शुरुआती साल वहीं बिताए थे। पेशावर का किस्सा खवानी बाजार में दिलीप कुमार की 100 साल पुरानी पैतृक हवेली भी है, जिसे अब पाकिस्तानी सरकार ने राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया है। दर्श विजन रिपोर्ट।